यूपी विधान परिषद उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कीर्ति कोल का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। हालांकि पर्चा खारिज होने की वजह जो है वो कीर्ति की उम्र को बताया जा रहा है, जिसके बाद अब बीजेपी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत तय हो गई है। आपको बता दें कि विधान परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए, जबकि कीर्ति कोल ने नामांकन पत्र में अपनी उम्र 28 वर्ष दिखाई थी। रिटर्निंग अफसर ने जाँच के बाद आज नामांकन पत्र खारिज करने की कार्रवाई की है। बीजेपी ने धर्मेंद्र सिंह सेंथवार और निर्मला पासवान को प्रत्याशी बनाया था, जबकि समाजवादी पार्टी ने अहमद हसन के निधन के बाद खाली हुई सीट पर आदिवासी समुदाय से आने वाली कीर्ति कोल को उतारा था। अब पर्चा खारिज होने के बाद बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। तो यूपी विधान परिषद उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी उम्मीदवार कीर्ति कोल का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। हालांकि पर्चा खारिज होने की वजह कीर्ति की उम्र को बताया गया है, जिसके बाद अब बीजेपी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत तय हो गई है। आपको बता दें कि विधान परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए, जबकि कीर्ति कोल ने नामांकन पत्र में अपनी उम्र 28 वर्ष दिखाई थी। रिटर्निंग अफसर ने जाँच के बाद आज नामांकन पत्र खारिज करने की कार्रवाई की है। बीजेपी धर्मेंद्र सिंह सेंथवार और निर्मला पासवान को प्रत्याशी बनाया था, जबकि सपा ने अहमद हसन के निधन के बाद खाली हुई सीट पर आदिवासी समुदाय से आने वाली कीर्ति कोल को उतारा था। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान इस समय लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। यूपी विधान परिषद उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, उनकी उम्मीदवार का पर्चा खारिज कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो स्वास्थ्य मंत्री भी रहते हैं अहमद हसन और एमएलसी भी थे, और तीसरी उनके देहांत के बाद इस सीट खाली हुई थी। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि 2 सीटें एमएलसी की खाली होती, और उन दोनों सीटों पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रत्याशी उतारे थे, तो वही समाजवादी पार्टी ने 1 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने एमएलसी पद का जो है प्रत्याशी बनाया था। और कहीं जरूर कहा जा सकता है कि कीर्ति कोल का रिटर्निंग नामांकन दाखिल हुआ था, जब रिटर्निंग नामांकन पत्र है वो रद्द कर दिया गया। आमतौर से समाजवादी पार्टी वजह इस बात से है कि 8 साल की उम्र होती है पद से और बीमारी की है, जिसका खाई कीर्ति कोल समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। ठीक है, दूसरी ओर पार्टी की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जांच नहीं की गई शायद। चलिए ठीक है, शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने